हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे तापा टेक्निकल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया बाय बी टू माइक को लेकर के। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो और आप ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया माइक मिल जाए, बेस्ट माइक यूट्यूब के लिए, जो कि आपके वीडियो में वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेहतर कर सकें, तो आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ जो कि बोया बाय बी टू माइक है मेरे पास टाइप सी आईफोन के लिए। और ये माइक से अभी आप साउंड ये सुन रहे हैं और इसका विदाउट माइक क्या, मतलब कि इसको मैं कम से कम साल भर होने जा रहा है, एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और पिछली जो वीडियो आपने जितने भी देखी होंगे मेरी, वो सभी वीडियो अगर आप देखेंगे तो सभी में मैंने ये माइक यूज़ किया है पिछले साल भर तक में, अगर आप पूरे वीडियो में देखेंगे तो। ठीक है जी, तो बोया बाय बी टू का वॉइस क्वालिटी आपको कैसे लग रही है, और विदाउट मतलब कि माइक के मैं बात करके दिखाऊँगा। अभी जो पंखा है, गर्मी का टाइम है, बहुत स्पीड से पंखा चल रहा है ठीक ऊपर, और इसमें जो है नॉइज़ कैंसलेशन अभी ऑफ है। और इसमें जैसे कि नॉइज़ कैंसलेशन मैं ऑन कर देता हूँ, फिर मैं विदाउट माइक के भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो अभी जो साउंड सुन रहे हैं बोया बाय बी टू से है, ये जो मैंने यहाँ से निकाल दिया है, देखिए अब इसमें नॉइज़ कैंसलेशन मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, तब आप देखिए इसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको। यहाँ पर मैंने अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया है, आप उससे पहले जो आवाज़ सुन रहे थे वो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ करके थी, अब ये ऑन कर रखी है। और इस माइक को मैं बंद करके भी उसके बाद में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि डायरेक्ट अगर मैं फ़ोन से जैसे वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और जो पंखा वगैरह चल रहा है, तब मेरा फ़ोन क्या रिस्पांस देता है आईफोन का माइक। ठीक है जी, आईफोन के माइक भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, तो आईफोन डायरेक्ट ही मैं आईफोन सूट करेगा मेरी वॉइस को। ठीक है जी, तो फटाफट से मैं माइक निकाल देता हूँ। दोस्तों अब जो है मैंने माइक वगैरह जैसे कि ट्रांसमीटर और रिसीवर वगैरह निकाल लिया है, तीनों चीज़ मेरे पास है। तो ये अब आप इसमें साउंड वगैरह देख पा रहे होंगे, और बोले तो अपना पंखे का साउंड वगैरह भी आप सुन पा रहे होंगे कैसा है। और इसको लेने के बाद में आपको, जैसे मैंने आपने वॉइस सुनी होगी कि क्या मेजर डिफरेंट है, और इसको अगर हम ट्रैफिक में यूज़ करेंगे तो क्या इसका रिस्पांस रहेगा। ट्रैफिक में भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, लेकिन बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग घर पर यूज़ करेंगे, ब्लॉगिंग में करेंगे तो ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी आपने और भी कई सारी वीडियो देखेंगे, बाकी उन वीडियो से भी आप कंपेयर कर पाएंगे कि आवाज़ वगैरह कैसी आ रही है। अब मैं माइक को लगा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है जी, दोस्तों अब जो है मैंने माइक लगा दिया है, कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट नहीं किया है। इसमें जो लाइट है, ब्लू लाइट जल रही है, जैसे ये ग्रीन लाइट होगी, इसमें जो एक बटन है ब्लू कलर का, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का बटन, अगर मैं इसमें दबाऊँगा तो क्या है, माइक का जो है नॉइस कैंसलेशन करनी शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये वाला माइक मैंने ऑफ कर रखा है फिलहाल में, वैसे मैं दोनों एक साथ ऑन कर सकता हूँ, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब इसमें देख रहे हैं नॉइस कैंसलेशन ऑन हो चुके हैं, अब जो पहले के मुकाबले आवाज़ कैसी आ रही है आप डिसाइड कर पाएंगे और माइक ले पाएंगे यूट्यूब के लिए। बोया बाय बी टू का माइक आईफोन के लिए है, और ये माइक टाइप सी में भी आता है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए रहता है, लेकिन ये सस्ता आता है, लाइटनिंग वाला थोड़ा महंगा आता है, आईफोन वाला जो है महंगा आता है थोड़ा सा। बाकी आप डिसाइड कर पाएंगे आपको कैसा लगा इसका लॉन्ग टाइम रिव्यू। अगर मैं बताऊं, मैं इसको पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूं, तो बहुत ही बढ़िया अभी तक रिस्पांस है इसका, अभी तक मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कई बार वीडियो देखते हैं कि DJI लेना चाहिए, 27,000 या 30,000 के करीब खर्च करो, हॉलीलैंड लेना चाहिए तो भी मतलब 25-27,000 खर्च करो, अगर रोड का माइक लेंगे तब भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम जैसे लॉन्ग रूट से यूज़ नहीं करता, कहने का मतलब है बहुत दूर से शूट नहीं करता, मेरे पास इतना बड़ा DSLR नहीं है, जो कि बहुत बड़ा DSLR होता है उनके पास में, कैमरा रख लेते हैं और बहुत मतलब कि 100-200 मीटर से शूट करते हैं, वो हिसाब किताब अपना नहीं है। आईफोन से शूट करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस से फ़ोन रखा हुआ है, जैसे मेरे एक हाथ दिख रहे हैं, एक हाथ और दूर है तब मेरा फ़ोन वहाँ पर रखा हुआ है, तो उस हिसाब से ये माइक आपको कैसा लग रहा है। और नॉइस कैंसलेशन मैं इसको फिर जो एक्टिवेट हो रखी है मैं डिसेबल कर देता हूँ, अब विदाउट नॉइस कैंसलेशन के ये अब रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी मेरे हिसाब से माइक बढ़िया है, आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।